किशन कुमार, SHO, नूह सदर थाना। ऑपरेशन मेवात की इन्वेस्टिगेशन के दूसरे भाग में अब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन नूह सदर थाना के SHO किशन कुमार के पास पहुंचे, ताकि पता कर सके कि हमारे रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला के सामने जो अलर्ट के इनपुट की बात CID इंस्पेक्टर ने कही, वो इनपुट लोकल थाने तक पहुंच पाया या नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम CID इंस्पेक्टर की इनपुट की बात करते, उससे पहले शुरुआत ये जानने से की कि आखिर एक बड़ी धार्मिक यात्रा के दौरान संवेदनशील इलाके के थाने में कितने पुलिस वाले थे। करीब 100 थे, मतलब 100 भी पूरे और वो दौर इतना बड़ा प्रोसेशन है, कमरा इतना बड़ा इंतजाम होना चाहिए था। CID वालों ने कोई पेपर चिट्ठी पत्री तो भेजी होगी आपको? CID ने मेरे पास कोई नहीं, कोई आपके पास पत्र चिट्ठी कुछ नहीं, कोई ये भी तो आया होगा कि भाई इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं आप लोगों का, ये आपका इंतजाम, कोई इंतजाम के बारे में? मेरे लेवल पर कोई बात नहीं, आपके ड्राइवर पर इंतजाम का भी नहीं पता है ना। आप उनका तो वेल कोऑर्डिनेट हो गया और आप लोगों का डिसकोऑर्डिनेट हो गया, आप लोगों को समझ में आया। देखो जी, ये चीज़ है, अगर ये होता भी इतना हमें पता लग जाता है ये ऐसा हो जाएगा तो यात्रा नहीं रुक जाती पूरे रुपए, यात्रा पूरी इमरजेंसी थी क्या, वो कोई वो हॉस्पिटल पहुँचानी है एम्बुलेंस रुक जाती, बड़े बड़े गृह मंत्री तक भी यहाँ रुके हैं। यानी जो अलर्ट CID कहती है कि भेज दिया, वो स्थानीय थाने तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर हिंसा और टकराव की आशंका वाला इनपुट कहां रह गया? इसका जवाब हम खोजेंगे। उससे पहले देखिए SHO नूह सदर थाने के कैसे दूसरी बातचीत के दौरान बताते हैं कि फोर्स की कमी पड़ी। पूरा तो कवर कराना है, लंबाई बढ़ गई, यात्रा यात्रा लंबी बढ़ गई, फोर्स तो वही थी, वो एक्स्ट्रा फोर्स थी नहीं, वो फोर्स 10 पॉइंट बढ़ने 50 पॉइंट बढ़ने के बाद 200 पॉइंट बढ़ गई, ऐसे नहीं। शायद यही वजह है कि एकदम यात्रा जब पीक पर थी, तभी टकराव की पहली घटना के वक्त ही पुलिस कम पड़ गई। पुलिस वाले कहीं भी हिंसा के वक्त तुरंत एक्शन लेकर तनाव कम करने की स्थिति में नहीं थे, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे कैमरे में कैद ये फुटेज है। ये फुटेज तब की है जब ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पहली बार दोनों समुदाय में झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है, तो वहां इक्का दुक्का ही पुलिसकर्मी मौजूद दिखते हैं, वो भी अपनी जान बचाते दिख रहे हैं। इस तरह ऑपरेशन मेवात की दूसरी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि CID के पास इनपुट यात्रा में टकराव का था, लेकिन स्थानीय पुलिस अलर्ट मिलने से इनकार करती है। यात्रा लंबी होने से कई जगह पुलिस तो लगाई गई, लेकिन निगरानी के प्वाइंट बढ़ने से पुलिस की कमी पड़ती गई। नूह से नितिन जैन की रिपोर्ट।